वृक्ष या वनस्पतियाँ यद्यपि जीवमंडल के एक महत्वपूर्ण संघटक हैं, किंतु इनका संबंध और इनका प्रभाव स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल से भी रहता है। किस प्रकार ये स्थलमंडल को प्रभावित करते हैं और वायुमंडल जलमंडल से अंतर संबंधित रहते हैं, आइए हम देखते हैं। और ये वृक्ष प्रथम कला के जीव हैं, जो कि कुछ हमें प्राकृतिक शिक्षा भी देते हैं, जैसे योगक्षेमम वहाम्यहम्। आइए हम देखते हैं कि ये वृक्ष किस तरह से, प्लांट्स काज वेदरिंग, वृक्ष किस प्रकार से चट्टानों का, कड़ी चट्टानों का अपक्षय करते हैं, लेकिन वह उसको विभिन्न प्रक्रमों से सुरक्षित भी करते हैं, अर्थात अपरदन से उसकी सुरक्षा भी करते हैं। वृक्ष की जड़ें बहुत ही मुलायम होती हैं और उनका अग्रभाग रूट कैप बहुत ही सॉफ्ट या मुलायम होता है, लेकिन चट्टाने उतनी ही अधिक कड़ी होती हैं। लेकिन इन वृक्ष को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, इन्हीं चट्टानों से मिनरल्स और अन्य चीज़ों को प्राप्त करना होता है, जिसके लिए यह वृक्ष अपनी मुलायम जड़ों को कड़ी चट्टानों में डालकर और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा विभिन्न खनिजों का ग्रहण करते हैं। अर्थात यह ये शिक्षा देते हैं कि यदि बहुत कड़ा से कड़ा विषय भी है तो विद्यार्थी अपने मुलायम मस्तिष्क से उसको विखंडित कर सकता है, वेदर कर सकता है और उससे अपने काम की चीज़ें लेकर अपना स्वास्थ्य वर्धन कर सकता है, अपना मानसिक विकास कर सकता है। और यह वृक्ष अपने द्वारा किए गए अपक्षय से बनाई गई मिट्टी का सुरक्षा भी कर लेते हैं, इसलिए इनको योगक क्षेमम वहाम्यहम्। ये योगी भी हैं, अर्थात ये तपस्या भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, लेकिन उनकी विभिन्न प्रक्रमों से सुरक्षा भी कर लेते हैं, अर्थात अपनी बनाई गई मिट्टी का अपरदनात्मक कारकों से सुरक्षा भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं कि ये दो प्रोसेस ये वृक्ष कैसे करते हैं। इनके रूट कैप कड़ी चट्टानों में प्रवेश कर उससे विभिन्न मिनरल्स ले लेते हैं और इस प्रक्रिया को चिलेशन कहा जाता है। चिलेशन के पश्चात इनकी जड़ें मोटी हो जाती हैं, और जड़ होती तो बहुत मुलायम है, लेकिन जब मोटी होती है तो कड़े कड़े पत्थर भी टूट जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग, जैविक अपक्षय, जो वृक्ष के द्वारा किया जाता है। और जैविक अपक्षय से चट्टाने विखंडित हो जाती हैं, रॉक्स ब्रोकन, और वो चूर्ण चूर्ण होकर के बारीक मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात जड़ मिट्टी का निर्माण करते हैं। और जब मिट्टी बन जाती है तो ये वृक्ष उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ह्यूमस प्रदान करते हैं। ह्यूमस कैसे, अपनी पत्तियों को गिराकर, और जब पत्तियां डिकम्पोज हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो उससे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा आ जाती है और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और इस प्रक्रिया को योग कहा जाता है, अर्थात ये वृक्ष विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं कि कड़े से कड़े विषय को अपने मुलायम मस्तिष्क के द्वारा उसको विखंडित किया जा सकता है और उससे अपने काम की चीज लेकर अपना विकास किया जा सकता है। इसको कहा जाता है योग, तपस्या, कर्म। लेकिन अब इस अच्छी सी वृक्षों द्वारा बनाई गई मिट्टी को लेने के लिए कई एजेंट्स आते हैं, और वो एजेंट बाह्य प्रक्रम हैं जो जलवायु द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन उन प्रक्रमों से यह वृक्ष अपने द्वारा बनाई गई मिट्टी को सुरक्षित भी करता है। यह प्रोटेक्ट सॉयल, मिट्टी की सुरक्षा करता है। किससे? फ्राम इरोजन, अपरदन से। किससे? किसके अपरदन से? या एक तो जलीय अपरदन से अपने मिट्टी की सुरक्षा कर लेता है। जलीय अपरदन माने जब
इस उपजाऊ मिट्टी को देखकर ललच जाते हैं इंद्रदेव और इसको लेने के लिए आते हैं। यह वृक्ष इंद्रदेव को चुनौती देता है कि आप हमारी कमाई, हमारे योग अर्थात अच्छी मिट्टी को हमसे नहीं छीन सकते। इंद्रदेव कुपित होकर मूसलाधार बारिश करते हैं, लेकिन वृक्ष अपने कैनोपाई पत्तियों डालों द्वारा अपनी मिट्टी को सुरक्षित रखता है। लेकिन जब वर्षा का जल अधिक होकर वृक्ष के पास से बहता है तो वृक्ष अपनी जड़ों से उस अपने द्वारा बनाई गई उपजाऊ मिट्टी को बांध लेता है, इरोजन से उसकी सुरक्षा कर लेता है। इंद्रदेव के पराजित होने पर जब पवन देव अर्थात वायु उपक्रम सक्रिय होता है तब भी वृक्ष उस चुनौती को सहर्ष स्वीकार कर पवन की गति को धीमा कर अपने द्वारा बनाई गई उपजाऊ मिट्टी की सुरक्षा कर लेता है। ध्यान रखिएगा, ये सब जलवायु द्वारा निर्मित प्रक्रम है जो कि मृदा अपरदन के लिए उद्यत है, लेकिन वृक्ष से नसीहत सीखिए कि अपने द्वारा बनाई गई वस्तु या उपजाऊ चीज को वह किसी के द्वारा छीना जाना स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद एक कास्ट प्रोसेस है चूना क्षेत्र में जो प्रक्रम काम करता है जल, जिसको हम लोग डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ अभी ये जानिए कि जलीय प्रक्रम जब चूना की चट्टानों को घुलाकर हटा देता है उस समय भी वृक्ष अन्य चट्टानों को बांधकर रखता है और वह खड़ा रहता है और वहाँ की मिट्टी को अपरदन से सुरक्षित करता है। मैरीन प्रोसेस समुद्री प्रक्रम समुद्र के तट पर लहरों के रूप में चलता है और वो लहरें जब समुद्र के तट से टकराती हैं तो चट्टानें तो कट जाती हैं, लेकिन वृक्ष अपनी जड़ों से जिन चट्टानों को आबद्ध किए हैं उनकी मिट्टी को सुरक्षित रखता है। और इसी तरह से पेरीग्लेशियल प्रोसेस परिहिमानी क्षेत्र में भी सॉयल इरोजन नहीं होने पाता, यहाँ पर भी कोनीफेरस फॉरेस्ट शंक्वाकार वन मिलते हैं जो कि अपने द्वारा कुछ मिट्टी का निर्माण करते हैं और उनको परिहिमानी प्रक्रम से सुरक्षित करते हैं। ग्लेशियल प्रोसेस में वृक्ष होते ही नहीं हैं, लेकिन निचले भागों में आकर जब ग्लेशियर्स चट्टानों को काटना चाहते हैं या बर्फ की बहती हुई चादरें चट्टानों को काटना चाहती हैं तो उस समय भी वृक्ष इनको इनके मार्ग को अवरुद्ध कर या इनके मार्ग को बदल कर वहाँ के चट्टान और मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वृक्ष कितने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये हमारे स्थल मंडल पर विभिन्न चट्टानों को अपक्षयित कर चूर्ण तो बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं, ताकि उससे अपने समाज यानी पादप समुदाय का विकास करें, मानव समुदाय का विकास करें, मानव इस अच्छी मिट्टी में कृषि करें। लेकिन जब इनके अपरदन के लिए कोई भी प्रोसेस काम करता है तो उससे उसकी सुरक्षा भी कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है योग क्षेमम वहाम मेहम। यह वृक्ष कहता है मैं योग भी कर लेता हूँ, कड़ी चट्टानों से मिट्टी भी बना लेता हूँ और मैं उसकी सुरक्षा भी करना जानता हूँ। और इससे विद्यार्थियों को भी सीखना चाहिए कि वह यदि परिश्रम कर अपने सॉफ्ट माइंड से कड़े विषय को अपक्षयित कर मुलायम और उपजाऊ मटेरियल बना लिए तो उसकी सुरक्षा करना भी उन्हीं का काम है। नहीं तो कोई मित्र आता है परीक्षा के 10 दिन पहले और इनके द्वारा बनाया गया नोट उठा ले जाता है, इस तरह से वह क्षेम नहीं कर पाते हैं। अर्थात वृक्ष कहते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि आप परिश्रम कर कोई चीज़ अर्जित करते हैं तो आपका एक कर्तव्य होता है और अधिकार भी बनता है उसकी सुरक्षा करना। तो जब इस वृक्ष के द्वारा बनाई गई उपजाऊ मिट्टी को लेने में इंद्रदेव जलीय प्रक्रम असफल रहे, वायुदेव पवन देव भी असफल रहे अर्थात सब देव पराजित हो गए, तब यह खबर विष्णु भगवान के पास गई और विष्णु भगवान कृष्ण अवतार में आकर के इस वृक्ष से पूछे कि वृक्ष देव आप तो
स्वपाकी हैं, आप पर तो पूरा पूरी सृष्टि आश्रित है, आप बताइए हमें कोई शिक्षा दीजिए। तब इस वृक्ष ने कहा कि कृष्ण जी आप तो सर्वज्ञ हैं, आप योग क्षेमम वहाम में हमकी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए। तो कृष्ण जी हैं बैठ करके इसको सीखे, योग क्या है, क्षेम क्या है। तो वृक्ष द्वारा बताए हुए योग और क्षेम को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा और उस वाक्य का प्रयोग फिर LIC और पुलिस डिपार्टमेंट तथा अन्य विभाग के लोग भी करने लगे। लेकिन विद्यार्थियों का ये फर्ज है कि इस वृक्ष से सीखें कि योग क्या है और क्षेम क्या है। लेकिन वृक्ष तो प्रथम कला के जीव हैं, यह कर्म करना जानते हैं और ये परोपकार करना जानते हैं, लेकिन यह वस्तुओं को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाते, अच्छे बुरे को। इसलिए इनके साथ एक और भी चक्र चलता है, जैसे कि प्लांट्स रन टू साइकिल्स, वृक्ष दो तरह के चक्र चलाते हैं। एक चक्र होता है बायोजियोकेमिकल साइकिल और दूसरा होता है विशस साइकिल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल जैव भू रसायन चक्र का मतलब हुआ कि यह वृक्ष कुछ गैसीय चक्र चलाते हैं और कुछ मिनरल या न्यूट्रिएंट की साइकिल चलाते हैं। गैसीय चक्र में यह ऑक्सीजन कार्बन और यह नाइट्रोजन की साइकिल चलाते हैं। ऑक्सीजन साइकिल का मतलब हुआ ये वृक्ष वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और उसको ऑक्सीजन रूप में परिवर्तित कर वायुमंडल में पुनः देते हैं। इस तरह से ये कितना परोपकारी हैं कि मानव यहाँ पर CO2 का विसर्जन कर रहा है, CO2 की अधिकता हो रही है, ये उस CO2 को ग्रहण कर और कार्बन सिंकिंग का रोल प्ले करके और शुद्ध ऑक्सीजन मानव को दे रहे हैं। और इसी तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल भी होती है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स जो लेगोमिनस प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में आती है और इस तरह से वह पौधों के जड़ों तनों और पत्तियों से होकर के फिर वो वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। तो इस तरह से ये गैसीय चक्र में अपना विशेष रोल प्ले करके स्थल मंडल और वायुमंडल को संबद्ध करते हैं। मिनरल्स में ये कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम का संचालन करते हैं, जैसे इनके द्वारा अपक्षयित चट्टानों में जितना भी कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम मिलता है उसको अपनी जड़ों से ले लेते हैं और इस प्रक्रिया को चिलेशन कहा जाता है और उसको ले करके फिर वो पत्तियों द्वारा और फलों द्वारा उसको समाज को देते हैं, जो डायरेक्ट चट्टानों में आ जाता है, मिट्टी में आ जाता है, या मानव के द्वारा वह फिर विसर्जन के बाद फिर इसी में आ जाता है। चट्टानों में विभिन्न खनिज होते हैं और यह वृक्ष अपनी जड़ों से चट्टानों को विखंडित कर उनके खनिजों को और खनिजों में कैल्शियम पोटेशियम मैग्नीशियम अन्य को ग्रहण करके और वह अपने फल या पत्तियों द्वारा समाज को अर्पित करता है और समाज में वो चाहे जीव समाज हो मानव समाज हो उसका ग्रहण कर विसर्जित कर देता है, पुनः इसी जड़ के पास वो आ जाता है, सॉयल में आ जाता है। इस तरह से एक चक्रीय क्रम में चलता है और इसी तरह से वाटर का भी सर्कुलेशन वृक्ष करते हैं और वह स्थल मंडल जीव मंडल वायुमंडल और जल मंडल को इंटरलिंक करते हैं, अंतर संबंधित करते हैं और जल भी फिल्म वाटर इनकी जड़ों द्वारा ग्रहण किया जाता है, जो पत्तियों से होकर इवेपोट्रांसपिरेशन द्वारा वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल में संघनन के द्वारा पुनः वर्षण से मिट्टी में आता है और मिट्टी से इस तरह से एक साइकिल चलती है जो कि उपजल चक्र कहलाता है। इस तरह से आप देखें तो यह मिनरल की साइकिल है और इसी को बायो जियो केमिकल साइकिल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि यह बायो
जियो केमिकल साइकिल है या जियो बायोकेमिकल साइकिल है। यह एक विवाद की बात है क्योंकि कुछ लोग इसको जियो बायोकेमिकल कहते हैं, जियो बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। कारण यदि जियो न होता तो जियो में मिनरल न होते तो बायो न आता तो साइकिल न चलती, इसलिए जियो को प्रधानता देते हैं। लेकिन दूसरे वर्ग के लोग बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं, बायो माने जियो। यदि पृथ्वी होती, जियो होता और उसमें मिनरल्स भी होते, लेकिन अगर बायो न होता, वृक्ष न होता तो साइकिल चलती ही न। इसलिए बायोलॉजी और बॉटनी वाले इसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं और ज्योग्राफी और जियोलॉजी वाले जियो बायो केमिकल साइकिल कहते हैं। लेकिन अधिक मान्य बायो जियो केमिकल साइकिल है क्योंकि यह दोनों चक्र यदि संचालित होते हैं तो बायो उसका मेन काज है और यह साइकिल अनवरत चलती रहती है। इस तरह से ये वृक्ष अजैविक मिनरल और वाटर और गैसियस चीज़ों को जैविक बनाकर और जीव समुदाय एनिमल्स को और मैन को न्यूट्रिएंट देते हैं। इस तरह से ये स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन यह वृक्ष अनभिज्ञ हैं क्योंकि इनको अच्छे और बुरे खनिजों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए एक ऐसी साइकिल चलती है जो कि विशेष साइकिल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि चट्टानों में विभिन्न रेडियो एक्टिव खनिज मिनरल्स भी पाए जाते हैं जिनकी पहचान ये वृक्ष इनकी जड़ें नहीं कर पाती हैं। जैसे स्टोनसियम 90, स्टोनसियम 90 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है जो देखने में कैल्शियम या चूना से मिलता जुलता है, उसी कलर का, उसी प्रकृति का। और यह वृक्ष अपनी जड़ों से जब कैल्शियम को ग्रहण करता है उसी समय कैल्शियम के पास मिलने वाले स्टोनसियम 90 को भी ले लेता है और वह स्टोनसियम 90 चूने के या कैल्शियम के कणों के साथ चलता आगे चक्र में बढ़ता चला जाता है और वह वृक्ष में आ जाता है, वृक्ष के फल में आ जाता है, उसकी पत्तियों में आ जाता है। उस फल को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, मान लीजिए ये पपीता का फल है, केला का है, तो इस केले या पपीते या आम को ग्रहण करने वाला व्यक्ति के अंदर कैल्शियम तो जाएगा ही, उसी कैल्शियम जैसा दिखने वाला स्टोनसियम 90 भी चला जाएगा। और जब कैल्शियम उस व्यक्ति की हड्डियों में जाएगा, क्योंकि कैल्शियम से ही बोन्स बनती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम का एक दुष्ट साथी स्टोनसियम 90 भी हड्डियों में पहुंच गया। लेकिन स्टोनसियम 90 एक रेडियोधर्मी पदार्थ है और रेडियोधर्मी पदार्थ में रेडिएशन होता रहता है और 28 वर्ष में वह रेडिएट होकर के, विकृत होकर के आधा हो जाता है। रेडिएशन कहाँ हो रहा है? बोन्स में, बोन्स की सेल में। परिणाम क्या होगा कि उस बोन की सेल के आसपास के और बोन मैरोज डैमेज हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे तो उस व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा। किसको? जिसकी उम्र 28 साल हो गई है। यदि बचपन में उसने दूध पिया और बाई चांस उसके शरीर में कैल्शियम के साथ स्टोनसियम 90 भी आ गया तो 28 साल होते उसके बोन कैंसर हो जाएगा। वही उम्र होती है जब वह IAS बना है, शादी हुई है, लेकिन परिणाम क्या रहा? कैंसर। क्यों? स्टोनसियम 90। क्या करे बेचारा वृक्ष? नहीं समझ पाया। और इसीलिए भोजन करते समय ईश्वर को सब भोजन अर्पित कर देना चाहिए, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। और कभी कभी तो छोटे बच्चे को मम्मी
दूध देकर चली जाती हैं, बेटा पी लेना। नहीं पिया, बिल्ली ने गिरा दिया। मम्मी ने झापड़ दिया बच्चे को, कहा दुष्ट दूध नहीं पिए, इसमें कैल्शियम होता है और स्ट्रोंशियम 90 भी होता है। लेकिन मम्मी को क्या पता कि ईश्वर जो करता है बहुत ही अच्छा करता है। बिल्ली ने दूध गिराकर उस बच्चे को स्ट्रोंशियम 90 के रेडियोधर्मी प्रभाव से बचा लिया, वरना उसको भी कैंसर का शिकार बनना पड़ता। इस तरह से यह एक विशेष साइकिल चलती है स्ट्रोंशियम 90 की वृक्षों के द्वारा, और यह फूड साइकिल में ही या बायोजियोकेमिकल साइकिल में ही चलती रहती है। इसी तरह से और भी रेडियो एक्टिव मिनरल हैं जो वृक्ष की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और फूड चेन से पोल्यूशन के द्वारा वह मानव शरीर में आ जाते हैं। कभी कभी स्ट्रोंशियम 90 मानव तक न पहुंच करके वृक्ष की किसी शाखा में पहुंच जाता है, और आपने परिणाम देखा होगा कि कभी कभी पूरा वृक्ष नहीं सूखता है, उसकी एक डाल सूख जाती है। इसका कारण क्या है? हो सकता है कि यही कारण हो। इस तरह से ये वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसके लिए? स्थल मंडल के लिए या चट्टान मंडल के लिए, वायुमंडल के लिए, जल मंडल के लिए और जीव मंडल के लिए।